हेलो एवरीवन, टेक्नोपीडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष वाजपेयी। लोग बात करने वाले सैमसंग की तरफ से एक नया फोन आने वाला है जो कि है सैमसंग A54 5G। तो यहाँ पे आपको बता दें, सैमसंग का जो ये ए सीरीज फोन है वो सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होता है क्योंकि यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फ्लैगशिप स्पेक्स मिल जाता है। और उसी के साथ ये वाला फोन सैमसंग गैलेक्सी A54 5G बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है क्योंकि E3 सर्टिफिकेट और गीक बेंच के अंदर ये ऑलरेडी स्पॉट हो चुका है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये फोन आपको क्या कुछ स्पेक्स के साथ मिलने वाला है, क्या प्रोस है, क्या कौन से कब आएगा, किस प्राइसिंग अंदर आएगा, सब कुछ देखेंगे और देखेंगे लास्ट ईयर वाला जो फोन है उससे कितना अपडेट के साथ मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई मेजर अपडेट नहीं है, बस बैक का कैमरा बम्पर जो पहले आता था वो अब यहाँ से निकल गया। सेम आपको प्लेन डिजाइन मिलेगा जैसे एस सीरीज के अंदर आपको S22 अल्ट्रा में मिलता है, S22 में मिलता है, S22 प्लस में मिलता है, वैसे ही डिजाइन मिलेगा। और साथ में यहाँ पे एम सीरीज के अंदर भी आपको सेम डिजाइन देखने मिलता है। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से डिजाइन वाइज कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और उसी के साथ यहाँ पे आपको 3 कैमरा मॉड्यूल ही सिर्फ पीछे मिलने वाला है। लास्ट ईयर आपको 4 कैमरा मॉड्यूल मिला था लेकिन अब अपडेट के बाद यहाँ पे आपको A54 में सिर्फ 3 कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा। और अब आ जाते हैं डिस्प्ले पर, जो कि सैमसंग की तरफ से हमेशा आपको अच्छा मिला, कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला, HDR10 प्लस का सपोर्ट होगा और 1200 नीट्स का पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज और क्वालिटी दोनों ही अच्छा मिल रहा है लेकिन एक चीज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो इसका कैमरा पार्ट में। यहाँ पे आपको अभी के टाइम में इस फोन के अंदर सिर्फ 3 कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है जबकि A53 के अंदर 4 कैमरा मॉड्यूल था। यहाँ पे आपको जो 3 कैमरा मिल रहा है वो है 50 मेगापिक्सल का प्राइम कैमरा, उसके बाद मिलेगा 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और 5 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो एक लेंस एक पूरा सेंसर रिमूव हुआ कैमरा से वो है इसका डेप्थ सेंसर। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली बुके या पोर्ट्रेट इफेक्ट नहीं ले पाइएगा, जो भी आपको इफेक्ट मिलने वाला है वो डायरेक्ट प्राइम कैमरा के अंदर ही मिलेगा। और वहीं यहाँ पे एक अच्छा खबर भी है, S22 के अंदर जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है वही सेम सेंसर यहाँ पे यूज हो रहा है प्राइम कैमरा के अंदर। जो 50 मेगापिक्सल है वो सेम सेंसर है, मतलब सेम आउटपुट आपको फोटो और वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगा। और वहीं वीडियो क्वालिटी में यहाँ पे आपको बैक और फ्रंट दोनों से ही 4K 60fps मिल जाएगा। और अब कैमरा के बाद यहाँ पे जो एक और अपडेट आया वो इसका बैटरी पार्ट का। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर से 100mAh ज्यादा मिलेगा, मतलब 5100mAh का बैटरी मिलने वाला है लेकिन सेम फास्ट चार्जिंग मिलेगा, मतलब 25W का आपको सेम फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वो भी आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलने वाला, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ वायर मिलेगा। और अब आ जाते हैं इस फोन का उस पार्ट पर जिस पर अभी भी सवाल है कि क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला, वो इसका प्रोसेसर। क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो या तो स्नैपड्रैगन आएगा जो कि ऑब्वियस है, या फिर आपका एक्सिनॉस सैमसंग का खुद का एक्सिनॉस प्रोसेसर आएगा। वैसे ज्यादातर लीक ये बता रहा है कि सैमसंग का खुद का प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलेगा, इसमें भी आपको मिलेगा A54 के अंदर भी, और A54 के अंदर भी सेम प्रोसेसर मिलेगा जो कि है 1380 एक्सिनॉस प्रोसेसर। लेकिन अगर एक्सिनॉस नहीं आया तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन में आपको 782G का प्रोसेसर मिल जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कंफर्म्ड आपका One UI 5 मिलने वाला है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसका लॉन्च डेट के बारे में, तो ये जनवरी मंथ के अंदर लॉन्च हो जाएगा क्योंकि ये 2 महीना पहले ही लिस्ट हो चुका है। वैसे 2 साल से जो भी फोन लॉन्च हुआ है ए सीरीज का वो मार्च में लॉन्च हुआ है क्योंकि जनवरी में लिस्टिंग होता है और मार्च में लॉन्च हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नवंबर में लिस्टिंग हुआ है इसी के लिए जनवरी के अंदर लॉन्च हो जाएगा 2 महीना पहले ही। यही तो इस फोन के अंदर जो भी लीक्स और जो भी अपडेट्स है वो सब कुछ आपको क्लियर आउट बताना चाहते थे एज एन अपडेट, ताकि आपको पता चल जाए कि जब 1 महीना के बाद ये फोन आएगा तो वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, अगर प्रोसेसर आपका सैमसंग का आया तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत लोग परचेस ना करें, लेकिन अगर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी प्राइसिंग के बारे में तो आपको पता होगा, 30-35,000 के बीच में आने वाला है, 6GB से स्टार्टिंग होगा, 8GB तक जाएगा, 128 और 256GB का स्टोरेज मिलने वाला है दोनों वेरिएंट के अंदर। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर आउट हो गया होगा कि इस फोन के लिए आपको इंतजार करना है या नहीं करना है, क्या प्राइसिंग के अंदर आएगा, सब कुछ तो क्लियर आउट हो गया होगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई क्वेरीज हो, कुछ जानना हो, कुछ भी पूछना हो नीचे जाके कमेंट करिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।